नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। अतीक अहमद अब इस दुनिया में नहीं है, उसके काले साम्राज्य को खत्म करने में यूपी सरकार जुटी हुई है। इन सब के बीच अब तक शायस्ता का पता भी नहीं चल पाया है। माफिया अतीक अहमद और अशरफ ने अपराध की कमाई से करोड़ों की अवैध संपत्ति बना रखी थी। पुलिस को ऐसी आशंका है कि अब उसी संपत्ति को पाने की चाहत में अतीक के गुर्गों के बीच जंग छिड़ सकती है, क्योंकि इस समय माफिया के अवैध कारोबार को संभालने वाला अतीक के परिवार से कोई नहीं है। अतीक का बेटा असद अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं बेटे उमर और अली जेल में बंद हैं। अतीक के दो बेटे नाबालिग हैं, जो कि बाल सुरक्षा गृह में बंद हैं। पुलिस ने अतीक के गिरोह से जुड़े लोगों की एक लिस्ट बनाई है। लिस्ट में शामिल हर व्यक्ति की तलाश हो रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इन्हें पकड़ना इसीलिए भी जरूरी है ताकि गैंगवार जैसी स्थिति न हो। पुलिस के मुताबिक अतीक के गिरोह के सदस्य बेहद शातिर तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे। इसमें से कुछ तो बहुत एक्टिव थे, कुछ वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते थे। पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि गिरोह में लगभग 130 लोग हैं, इसमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है। और ऐसी बातें भी सामने आई है कि अतीक की यूपी के अलावा राजस्थान सहित कई राज्यों में कई बेनामी संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। पुलिस उन संपत्तियों का भी पता लगा रही है। हालांकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अतीक के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता माफिया के पूरे कारोबार को अपने हाथों में ले सकती है। उमेश की हत्या के बाद शाइस्ता फरार हो चुकी है। यूपीएसटीएफ की कई टीमें उसका पता भी लगा रही है। वहीं माफिया अतीक का बेटा अली नैनी जेल में बंद है, उसे अब हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। उससे सिर्फ अब उसका वकील ही मुलाकात कर सकता है और किसी से उसकी मुलाकात पर रोक लगा दी गई है। ऐसा अली की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेल प्रशासन ने फैसला किया है। दरअसल हाल ही में सोशल मीडिया पर अली के नाम का एक पर्चा वायरल हुआ था, जिसमें सपा और बीजेपी को निकाय चुनाव में वोट न देने के लिए कहा गया था। खैर, इन सबके बीच शाइस्ता के मिलने से बड़े खुलासे और हो सकते हैं। हर जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।